साथ कर जो है दकम पेल भी जा रही है जी। अच्छा ये बताइएगा कि ये कौन कौन से हॉस्पिटल में कौन कौन से ऑफिस में ये एहतजाज किया जाता है या सिर्फ सिविक सेंटर पे ही आके यहाँ पर ही एहतजाज किया जा रहा है? जी देखिए इजाज ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये डॉक्टर खासकर जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो नए डॉक्टर से भर्ती हुई थी वो डॉक्टर हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनको परमानेंट नहीं किया गया वो भी डॉक्टर इसमें मौजूद हैं और शदीद इस वक्त जो है सिविक सेंटर पर नारेबाजी की जा रही है और अपने मुतालबात के हक में इस वक्त बड़ी तादाद में जो है ये डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है यहाँ पर सिविक सेंटर मौजूद है और काफी जो है जो ऑफिस है उनके शीशे भी इन्होंने तोड़े हैं और उसके अलावा हमले के साथ बदतमीजी की है पुलिस के साथ। इस वक्त कुछ पुलिस के अहलकारों की और डॉक्टरों की आपस में जो है हाथापाई हुई है जी। अच्छा यहाँ पे एक्सपो सेंटर सामने है सुई सदर सुई गैस कंपनी का ऑफिस यहाँ पर मौजूद है सिविक सेंटर की अपनी बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। हसन स्क्वायर तो पूरी तरह से जैम हो गया होगा या सिर्फ मखसूस रास्ते ही जैम हुए? नहीं देखिए हसन स्क्वायर आने जाने वाले तमाम तर रास्ते जो है इस वक्त वो जैम हो गए हैं और इस वक्त इनके जो डॉक्टर साहबान हैं इनके हाथ में कुछ के हमें लाठियां भी दिखाई दी हैं और इस वक्त इन्होंने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं जी। अच्छा ये आगा खान हॉस्पिटल में भी सारी टेंशन मौजूद है यहाँ पे इस टाइम? जी बिल्कुल यहाँ पर आने जाने वाले तमाम अतराफ हैं ये भी जैम हो गए और इस वक्त जो है सिविक सेंटर के करीब जो है ये पैरामेडिकल स्टाफ के डॉक्टर जो है एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पहुंच चुकी है इसको कंट्रोल करने में लेकिन अभी जो है कुछ डॉक्टरों और जो पुलिस के SHO सबान दो खड़े हुए इनके दरमियान अजीज भट्टी SHO है और उसके अलावा जो है गुलशन इकबाल SHO भी यहाँ पहुंच गया है न्यू टाउन के SHO भी लेकिन अभी तक जो अगर कोई आला अफसर नहीं आता तो डॉक्टरों का यही कहना है कि कोई आला हुकाम आए उनसे हम बात करें हमारे जिनके साथ मुजाकरात हो SHO साहबान के साथ जो डॉक्टर साहबान है इन्होंने मुजाकरात करने से इनकार किया है। सिविक सेंटर में घुस गए हैं वहाँ पे बाकायदा तोड़फोड़ भी की जा रही है वहाँ पे काफी मकसद ये कि हल्ला गुला इनकी तरफ से किया जा रहा है तो टेंशन किसी सूरत हाल क्रिएट। जो सिविक सेंटर के मुलाजमीन है उनकी क्या कंडीशन है वो बाहर निकल गए साइडों पर हो गए या इनके साथ कोई तूतकार उनकी आपस की भी हो रही है? जी बिल्कुल इजाज़ है कुछ के साथ तो इनकी हाथापाई भी हुई है कुछ जो है वो बाहर चले गए हैं और कुछ अभी भी इनके पास खड़े हुए हैं लेकिन ये जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है ये जो सही मानों में जो है ये EDO हेल्थ के खिलाफ जो है ये एहतजाज कर रहे हैं कोई इनको जो है मसाइल जो इनके मुतालबात है वो पूरे नहीं हो रहे। कई दफा हुकूमत की जानब से यकीन दानी कराई गई है लेकिन वो मुतालबात पूरे नहीं हुए जिसकी वजह से इस वक्त ये डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो सापा एहतजाज है। आपने कहा है कि ट्रैफिक जैम हो गई है लंबी लंबी कतारें लग रही हैं गाड़ियों की हालांकि हसन स्क्वायर से लेकर न्यू टाउन की जानिब से मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया उसके बावजूद मुतबादिल रास्ता देने के बावजूद वहां पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगने की क्या वजह बयान कर रहे हैं? जी देखिए इस वक्त जो कि गाड़ियों पे पथराव भी किया गया था जो लोग ये सरापा एहतजाज है इनकी जानिब से तो उसके बाद